Hey guys, welcome to the first video of this channel after completing non-stop 365 videos on Instagram at Arpit Daily Vlogs. Go check it out. तो आज की वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 377. तो आखिर क्या है सेक्शन 377? होमोसेक्सुअलिटी के विरुद्ध बनाया था 1860 में ये कानून. 2018 में इस कानून को नामंजूर करते हुए इस रोक को हटाया गया. सरकार के इस फैसले से कहीं देश में खुशी है तो कहीं दुख, कहीं लोग इससे उत्साहित हैं तो कहीं प्रभावित भी हैं. जैसे कि एक माँ ने अपने बेटे को गोवा जाने से किया इनकार. बिस्किट दो ना. नहीं नहीं, सेब काटा है तो सेब खा. सेब से क्या होता है मम्मा? सेहत के लिए अच्छा होता है सेब. भैया आ गए. अरे तू आ गया, आजा आजा बैठ जा. मम्मी मेरे को गोवा जाना है. अच्छा, कौन कौन जा रहा है? वो प्रतीक, विपुल, एल्बिन, बकुल, प्रिया प्रिया और सुप्रिया. सुप्रिया भी? हाँ. लड़कियां भी है? हाँ. लड़कियां है तो तुम कहीं नहीं जा रहे हो, जाओ अपने रूम में जाके बैठ जाओ. अरे मम्मी मेरे को गोवा जाना है. गोवा? अच्छा, कौन कौन है? वो प्रतीक, विपुल, एल्बिन, रमेश और सुरेश. सारे लड़के? हाँ. एक भी लड़की नहीं है? हाँ. यार वो प्रिया सुप्रिया को क्यों नहीं ले जाता? नहीं, हम सब ने डिसाइड किया है, हम लड़के लड़के जाएंगे. लड़कियां बहुत बोर करती है, उनको नहीं लेके जाएंगे, बहुत मजे करेंगे लड़के लड़के सब लोग. कहीं नहीं जा रहा तू, जा अपने रूम में पढ़ाई कर. जैसे कि दोस्त ने दोस्त का साबुन ना उठाकर दोस्ती के बीच में डाली दरार. अरे वो साबुन गिर गया, उठा दे भाई. भाई सुनना, वो साबुन उठा देना प्लीज. और सुनना, मेरी चट्टी में भी लगा देना भाई. मैं इधर मुंह साफ करूंगा तो मेरी चट्टी साफ कर दे यार, इससे अच्छा हो जाएगा. सब समझ रहा हूँ मैं, सेक्शन 377 के बाद सब समझ रहा हूँ मैं, तेरी सारी हरकतें समझ रहा हूँ. और क्या चट्टी में लगा दे रहे, ज्यादा फ्री नहीं हो रहा है क्या? चल ओके, मेरा मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ. भाई भाई लगा ना, पहले भी तो लगाता था भाई, पहले भी तो कितना झुकता था तू यार, ऐसे मत कर यार. भाईजान शब्द की वजह से गर्लफ्रेंड ने किया बॉयफ्रेंड पे शक. ये वाली है ना, ये वाली सोनिया के पास है, ठीक है? हाँ. मुझे ये वाली चाहिए. ये पिंक वाली? रोज गोल्ड है ये. रोज गोल्ड तो बेबी मैं अभी नहीं दिला पाऊंगा, अगले महीने दिला पाऊंगा, पैसे खत्म हो गए. लास्ट मंथ भी तुमने यही कहा था. अरे चट देनी मार दे. अरे भाईजान. सलाम वालेकुम भाईजान. किधर हो तुम? अरे भाईजान आपके दिल में हूँ. और कहाँ पे होऊंगा भाईजान? दिल में. अच्छा सुनो, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, आपको वापस से कॉल करता हूँ, ठीक है? बिजी हूँ. अच्छा काटो फोन. खुदा हाफिज़. किसका फोन था ये? मेरे दुबई के भाईजान है, उनका फोन था. बड़ी गहरी दोस्ती लगती है तुम्हारी. अरे बहुत गहरी दोस्ती है हमारी, बचपन से हम दोनों साथ में पढ़े हुए. चट देनी मार दे. अरे भाईजान. किधर हो तुम? अरे भाईजान आपके दिल में हो भाईजान, कहाँ होगा भाई. आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ. किसका फोन था ये? मेरे दुबई के भाईजान है. दिल में? हाँ अभी बचपन से है तो दिल ऐसे बोल देते हम लोग. शादी क्यों नहीं कर लेते फिर? अरे बचपन का दोस्त है अभी. और ये भाईजान क्या होता है? अरे हम अब इतने अच्छे दोस्त है तो भाईजान बुला ले. नहीं नहीं, भाई तक तो ठीक था, जान क्या होता है? ये भी उन्होंने ही भेजा है क्या वहाँ से, दुबई से? ये वही दुबई वाले भाईजान ने भेजा? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम अपन दोनों ने तो साथ में लिया था. नहीं, इसके तो दो ईएमआई तो मैंने ही भरे. पैसे की तब भी प्रॉब्लम थी, अभी भी क्या? पैसे तो अभी भी नहीं है तुम्हारे पास. लेकिन तुम इतना क्यों, ये कुछ मैटर ही नहीं है इतना है, भाईजान से क्यों? नहीं नहीं, भाई तक तो ठीक था, ये जान क्या होता है? अरे जान बुला लेते प्यार से, जान अभी तुम्हें भी बुला सकता हो जान. हाँ, तो मैं को तो कभी नहीं बुलाया तूने जान. अब से बुला लूंगा, तुम इतने क्यों टेंशन ले यार. अरे दिस वॉज जस्ट फॉर फन, डोंट टेक इट सीरियसली, ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में.
टू बी ऑनेस्ट वी हैव नो प्रॉब्लम विद दिस डिसीजन. इंस्टेड हम लोग इसका पूरा सपोर्ट करते हैं. हम लोग ये सोचते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीजें वेस्टर्न साइड से आई है, वेस्टर्न कल्चर से आई है, बट ऐसा नहीं है. इंडिया के अंदर भी ये थी और ये हर जगह पे होती है. इट्स जस्ट नेचुरल एज एवरीथिंग एल्स. सो वी शुड सपोर्ट रेदर देन जज दोस पीपल. हर किसी को अपने डिसीजन और अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है. सो जियो और जीने दो. So that's it for today guys. अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. हर वीक एक वीडियो आने वाला है. So thank you so much for watching. मिलते हैं next week.